देखो अब है कि आप देख रहे हो कि कोई ऐसी कम्युनिटी है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है प्राइस के कंपेटिवली, कुछ ऐसी कम्युनिटी है जिसकी डिमांड बहुत कम ही वेरी कर रही है प्राइस के रिस्पेक्ट में, तो ये किन बातों से डिसाइड होता है, ये किन चीज़ों से डिसाइड होता है कि कम्युनिटी की डिमांड इलास्टिक होगी या कम्युनिटी की डिमांड इनइलास्टिक होगी, ये कौन तय करता है? तो एक्सप्लेन द फैक्टर विच अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो डिमांड की नेचर को अफेक्ट करता है, उसकी इलास्टिसिटी को प्रभावित करता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो फर्स्ट फैक्टर क्या है इसमें बच्चे? नेचर ऑफ कॉमोडिटी। अब नेचर ऑफ कॉमोडिटी क्या होता है? नेचर ऑफ कॉमोडिटी में बेसिकली बच्चे, नेचर ऑफ कॉमोडिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बेसिकली दो तरीके के कॉमोडिटी होते हैं। जो कॉमोडिटी होती है बच्चे दो तरीके की होती हैं, एक तो नेसेसरी गुड्स होती हैं और एक एक लग्जरी गुड्स होती हैं। तो कॉमोडिटी का दो टाइप के नेचर में बांटा है, कॉमोडिटी को दो टाइप के नेचर कौन कौन से? नेसेसरी और लग्जूरियस। जो नेसेसरी गुड्स होते हैं ना, ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा क्या, प्राइस अगर ज़्यादा बढ़ भी गया तो भी डिमांड कम ही बढ़ेगा, कम ही घटेगा, क्यों? नेसेसरी है भैया, त्याग नहीं सकते हो, इसके बिना आपका जीवन नहीं सर्वाइव हो सकता है। अगर प्राइस ज़्यादा कम भी हो गया तो भी आप कोई डिमांड ज़्यादा नहीं करने वाले, कोई खास ज़्यादा फूड वगैरह वीट वगैरह सस्ता हो जाए तो आपकी चपाती डबल या ट्रिपल नहीं हो जाएगी। तो जो नेसेसरी गुड्स होते हैं उसके प्राइस में बदलाव का उसके मांग पे कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलता है। तो इस टाइप की गुड्स की जो डिमांड होती है ना, वो होती है इनइलास्टिक नेचर की। ठीक है बच्चे, क्लियर है? और एक ऐसी गुड्स जो लग्जरी गुड्स है, लाइक एसी, स्वीट्स, यहाँ पर देखोगे कि प्राइस अगर थोड़ा सा भी बढ़ गया तो डिमांड एकदम से कम होता है, प्राइस थोड़ा सा भी कम हो गया तो डिमांड एकदम से बढ़ता है। क्लियर है बच्चे? क्योंकि भैया लोगों की लाइफ के लिए ये नेसेसरी नहीं है, प्राइस बढ़ गया तो लोग इसके बिना भी सर्वाइव करते तो डिमांड करना कोई ज़रूरी है नहीं, डिमांड लोग सेक्रीफाइस ईजिली कर देते हैं तो डिमांड ज़्यादा गिर जाता है, प्राइस कम होता है तो लोग इसको पिक भी कर लेते हैं जल्दी से। तो ऐसे गुड्स के डिमांड में ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है, इसलिए लग्जरी गुड्स का डिमांड का नेचर कैसा होता है? इलास्टिक। तो क्वेश्चन ये है कि कैसे डिसाइड होता है कि किस कम्युनिटी का डिमांड इनइलास्टिक है या किस कम्युनिटी का डिमांड इलास्टिक है, तो ये उसके नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर मतलब दो टाइप के नेचर होता है, नेसेसरी एंड लग्जरी। नेसेसरी जो कम्युनिटी होगा उसके प्राइस में चेंज होगा, उसके डिमांड पर कोई खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता तो उसका नेचर इनलास्टिक होता है, और जो लग्जरी होता है उसके प्राइस में चेंज का उसके डिमांड पर देखने को चेंज मिलता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक बोलते हैं। तो क्या कहता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इट्स नेचर। अ कम्युनिटी फॉर अ पर्सन मे बी नेसेसरी और अ कम्फर्ट या फिर लग्जरी बोल सकते हैं, एक पर्सन के लिए वो नेसेसरी हो सकता है या फिर वो कम्फर्ट हो सकता है। वेन अ कम्युनिटी इज नेसेसिटी लाइक फूड ग्रेन्स वेजिटेबल्स मेडिसिन एटसेट्रा इज डिमांड इज जनरली इन इलास्टिक। अगर नेसेसरी है तो भैया डिमांड उसकी कैसी रहेगी? इन इलास्टिक एज इट रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल, क्योंकि हमारे सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है। एंड इट्स डिमांड डज नॉट फ्लक्चुएट विद चेंज इन द प्राइस। जो नेसेसरी है प्राइस में चेंज आने से उसकी डिमांड में कोई खास फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है। वेन अ कम्युनिटी इज द कम्फर्ट लाइक फैन रेफ्रिजरेटर, ये तो गलत एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फैन वगैरह कम्फर्ट बोला हुआ है। हाँ, रेफ्रिजरेटर को आप कंसिडर कर सकते हो कि एक लग्जरी गुड्स के अंदर कंसिडर होता है। इट्स डिमांड इज अ जनरली इलास्टिक एज कंज्यूमर कैन पोस्टपोन इट्स कंजम्पशन। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, वेन अ कम्युनिटी इज अ लग्जरी लाइक एसी डीवीडी प्लेयर एटसेट्रा इट्स डिमांड इज अ जनरली मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू द डिमांड फॉर कंफर्ट। क्लियर है? फिर कुछ बात समझा रहा हूँ तो समझ में आ रही है? ध्यान समझो, अब एक क्या पॉइंट है, एक है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। इसका क्या मतलब है बच्चे? देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, मैं यहां पर इस पॉइंट को कहां समझाऊं, यहीं पर समझा देता हूं कहीं, है ना? देखो बच्चे, एक कम्युनिटी एक्स है, ठीक है, और इसकी जो सब्स्टिट्यूट है इस एक्स की,
सब्स्टिट्यूट है वो क्या है, बाजार में अवेलेबल है। और इस कमोडिटी के दो चीज़ें हैं, इसका प्राइस भी और इसका अपना डिमांड भी, इसमें दिख रहा है ना, ठीक है। इसका अपना क्या है, प्राइस भी है, ऐसे मज़ा नहीं आएगा यार कम कम में। एक कमोडिटी है लाइक एक्स, इस कमोडिटी का अपना एक प्राइस लेवल है और इसका अपना एक डिमांड का लेवल भी है। और इसके बारे में एक बात ध्यान रखना कि जो इसकी सब्स्टिट्यूट है बाजार में अवेलेबल है, मतलब क्या है सब्स्टिट्यूट अवेलेबल मीन्स क्या होता है, लाइक जैसे मैं इकोनॉमिक्स आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, तो और भी बहुत सारे ट्यूशन्स हैं हमारे क्षेत्र में जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। सब्स्टिट्यूट मतलब कि जब आप एक चीज़ को दूसरे से रिप्लेस कर देते हो तो दोनों एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट होती है, लाइक बॉल पेन एंड जेल पेन, बॉल पेन नहीं है, जेल पेन से अपना काम कर लिया। तो ऐसे ही अपने इस क्षेत्र में इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, तो वो सारे के सारे मेरे सब्स्टिट्यूट हैं, मैं उन सबका सब्स्टिट्यूट हो गया। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मेरे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ना अवेलेबल। तो यहाँ पर देखो क्या देखने को मिलेगा, इसी एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। अगर मेरी फीस बढ़ गई तो डिमांड एकदम से गिरेगा, क्यों, लोगों के पास में ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं, लोग इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं, क्लियर है बच्चे, और लोग फिर उसकी डिमांड करेंगे, सब्स्टिट्यूट है तो वो लोग वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो फिर मेरी डिमांड क्या जाएगी, कम हो जाएगी। तो जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है ना उसकी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड एकदम से गिरता है, ठीक है, और प्राइस अगर कम हो जाए तो डिमांड एकदम से बढ़ता भी है, दूसरे वालों को अपने पास खींच के ले आता है, क्लियर है बच्चे। तो जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहेगा उसके प्राइस में चेंज का उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा, समझ में आया, एग्री करते हो। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे इलास्टिक नेचर है। किसका नेचर इलास्टिक होगा, जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, क्लियर है बच्चे। बट जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, लाइक एक कॉमोडिटी वाई है, ठीक है, इसका अपना एक प्राइस है, इसके अपने एक डिमांड है, और इसका अपना सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है बाजार में, मात्र की वाई गुड्स ही है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तो इसके प्राइस अगर बढ़ गए, प्राइस इसके बढ़ गए तो डिमांड में थोड़ा बहुत कम करोगे तो करोगे, डिमांड ज़्यादा कम नहीं कर सकते। जाओगे कहाँ इसको छोड़ के, कहाँ जाओगे छोड़ के, मान लो कि हमारे क्षेत्र में कोई इकोनॉमिक सिचुएशन ही नहीं होता, दूर दूर तक फीस बढ़ जाती तो डिमांड कम कर पाते, तो डिमांड कम नहीं हो पाती क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता ना तो प्राइस में चेंज का उसके डिमांड पे इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है वहाँ पर। जनरली इसके डिमांड का नेचर कैसा रहेगा, इनइलास्टिक। तो जिस कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट होता है उसका डिमांड इलास्टिक नेचर का होता है, और जिस कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है उसका डिमांड इनइलास्टिक नेचर का होता है। ये बात समझ में आई आपको, मुझे समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया समझ में, 2 घंटे पढ़ पढ़ के कहीं ऐसे तो नहीं हो गए परेशान हो गए, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद द लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट विल बी मोर इलास्टिक, जिसकी सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड कैसी रहेगी, मोर इलास्टिक। द रीजन इज दैट द इवन अ स्मॉल राइज इन द इट्स प्राइस विल द इंड्यूस द बायर्स टू गो फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट। फॉर एग्जाम्पल अ राइज इन द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज द बायर्स टू बाय द कोक एंड वाइस वर्सा। दस अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लोज सब्स्टिट्यूट मेक्स द डिमांड सेंसिटिव टू चेंज इन द प्राइस। ऑन द अदर हैंड द कॉमोडिटीज विद द फ्यू और नो सब्स्टिट्यूट लाइक व्हीट एंड सॉल्ट हैव लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। अब बच्चे नेक्स्ट ये है, एक है इनकम लेवल। इनकम लेवल दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक हायर इनकम लेवल ग्रुप होता है, ठीक है, एक लो इनकम लेवल ग्रुप होता है, एक लो इनकम एक हायर इनकम, दो प्रकार के ग्रुप होते हैं। लाइक जैसे कि हमारे अंबानी जी है ना,
इनकम लेवल कैसा है उनका? हाई लेवल है। अब प्राइस में चेंज आएगा तो क्या उससे उसकी डिमांड पर इफेक्ट आएगा उनकी, कि प्राइस महंगा हो गया यार डिमांड कम कर लेते हैं? हाँ प्राइस कम हो गया, अब चलो वहाँ पे सेल्स कहाँ लग रहा है, कहाँ डिस्काउंट है, कहाँ प्राइस कम हुआ, चलो जाके डिमांड कर लेते हैं। उनके लिए प्राइस कोई मैटर नहीं करता। तो प्राइस में अगर चेंज आएगा तो डिमांड में वो कोई चेंज उनके लिए नहीं आएगा, तो उस स्थिति में उनकी डिमांड वैसे ही बनी रहेगी, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिमांड करेंगे। तो इस हिसाब से उनके लिए डिमांड क्या है, इनइलास्टिक। प्राइस में चेंज का डिमांड पे उनका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा है नहीं प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम, प्राइस कम हो गया तो डिमांड ज़्यादा, उनकी जो डिमांड है वही रहने वाली है, डिमांड स्थिर रहेगी। तो इसलिए जिनका हायर लेवल ऑफ इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, बेसिकली प्राइस में चेंज का उनकी डिमांड पे इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है, डिमांड वैसी बनी रहती है, तो डिमांड इनइलास्टिक नेचर का होता है। मेरे और आपके जैसे गरीब आदमी जिनके इनकम का लेवल क्या है, लो है, बहुत लो है, तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाए तो भैया हम सोच लेते हैं कि भैया इस गुड्स की तरफ कभी नज़र उठा के भी नहीं देखना, और जहाँ कहीं दिख जाए कहीं सस्ता है तो बस काम धंधा सब छोड़ छाड़ करके टूट के पड़ना है उसके ऊपर। सेल्स में टी शर्ट है, कोई नीचे से खींच रहा है, कोई ऊपर से खींच रहा है, कोई उसके हाथ में, कोई उसके हाथ में उसकी बाजू निकाल गया हो, तो डिमांड एकदम से हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो लोअर इनकम ग्रुप होता है वहाँ पर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बहुत कम होगा, प्राइस कम हो तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो वहाँ डिमांड में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वहाँ इलास्टिसिटी नेचर होता है। बट जो हायर लेवल ऑफ इनकम है वहाँ पर डिमांड में चेंज ज़्यादा वो लोग करते नहीं है, इसलिए डिमांड का नेचर कैसा देखने को मिलेगा आपको, इनइलास्टिक नेचर देखने को आपको मिलेगा। समझ में आया बच्चे? लेवल ऑफ प्राइस भैया, जो जिस कम्युनिटी थोड़े सस्ते कैटेगरी के होते हैं वहाँ प्राइस में चेंज आएगा भी तो कितना आएगा, मामूली सा आएगा, माचिस, सुई, धागा, बूट पॉलिश, न्यूज़पेपर। अब प्राइस का लेवल काफ़ी कम है तो 1 रुपये की माचिस 2 रुपये की हो जाएगी, उससे भी आपको कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, हमको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इसलिए हम उसकी डिमांड में कोई फ़र्क करेंगे नहीं। ये माचिस भाई 1 रुपये महंगी होगी हम नहीं लेंगे, अखबार 50 पैसा महंगा होगा हम नहीं लेंगे। छोटे मोटे जिसकी कम लोअर प्राइस होता है वहाँ पे प्राइस चेंज आ भी जाए तो कितना ही आ जाएगा, इसलिए उसके डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं मिलता। इसका प्राइस काफ़ी हाई होता है लाइक कार, एसी वगैरह, तो यहाँ पे प्राइस में चेंज आता है तो बड़ा ही चेंज आता है, तो यहाँ पर हमारी डिमांड पे फ़र्क देखने को मिलता है। क्लियर है बच्चे? तो जिनके प्राइस का लेवल लो होता है वहाँ पर इनइलास्टिक नेचर होता है, डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं होगा, और जिनका प्राइस का लेवल हाई होता है वहाँ पर प्राइस में बड़ा लेवल का चेंज देखने को मिलेगा, इसलिए वहाँ पर डिमांड में चेंज ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा, वो इलास्टिक नेचर का होता है। क्लियर है बच्चे? एक होता है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन मीन्स क्या हो गया कि ऐसी कॉमोडिटी जिसके कंजम्पशन को आप क्या कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो। लाइक आपको मकान बनाना है तो घर बनाना एक ऐसी चीज़ होगी इसको जिसके को आप पोस्टपोन कर सकते हो। आप महंगा हो रहा है कोई बात नहीं, अगले साल बना लेंगे, पोस्टपोन कर लिया। गोल्ड लेना है ज़्यादा रेट है कोई बात नहीं बाद में ले लेंगे, तो जिसके डिमांड को आप पोस्टपोन कर सकते हो ना, तो वहाँ प्राइस बढ़ता है तो डिमांड आप सेक्रीफाइस कर देते हो, छोड़ो बाद में देखेंगे। क्लियर है? और प्राइस कम हुआ तो भले लेने का प्लान नहीं था, कभी फ्यूचर में लेना था, मम्मी अभी ज्वेलरी बनवा के रख लेंगे, तो जिसके डिमांड को हम पोस्टपोन कर सकते हैं ना, वहाँ प्राइस हल्का बढ़ता है डिमांड को लोग कम कर देते हैं। प्राइस हल्का कम होता है लोग डिमांड ज़्यादा कर देते हैं, तो इस सिचुएशन में इलास्टिक नेचर होता है डिमांड का। बट जिसकी डिमांड अर्जेंट होती है लाइक फूड, अब भूख लग रही है तो ये नहीं महंगा हो गया कोई बात नहीं 4 दिन बाद खा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना वहाँ पे, तो वहाँ प्राइस बढ़ भी गया तो डिमांड हम कम नहीं कर सकते, डिमांड हमें उतना रखना पड़ेगा, तो वहाँ डिमांड में चेंज नहीं कर सकते हो आप। तो ऐसे ही जिसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, जिसकी अर्जेंट डिमांड होती है वहाँ पर डिमांड में चेंज ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इसलिए उसका नेचर इनइलास्टिक होता है। समझ में आया बच्चे? क्लियर है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कुछ? नंबर ऑफ यूजेस, ऐसी कुछ कॉमोडिटीज के ज़्यादा नंबर ऑफ यूजेस हैं लाइक मिल्क, कहाँ कहाँ यूज़ हो जाता है देखो, दूध में, दही में, मिल्क दूध छाछ में, दही में, स्वीट्स वगैरह में, पनीर वगैरह में, इसके होते हैं नंबर ऑफ़ यूजेस ज़्यादा हैं, तो जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूजेस हैं वहाँ प्राइस हल्का से बढ़ेगा डिमांड बहुत ज़्यादा कम होता है, किससे आप दूध ही नहीं कम करोगे, आप पनीर भी महंगा हो जाएगा, पनीर भी कम खाना कम कर दोगे, मिठाइयाँ भी आप कम कर दोगे, एकदम से डिमांड कम होगी। अब प्राइस हल्का सा कम हो जाए तो हर चीज़ों में आपके हाथ फैल जाएंगे, ले मक्खन तो, ले घी तो, ले दूध, ले दही। इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्पल है, नंबर ऑफ़ यूजेस है, सस्ते भी लोग हैं दिल्ली में, लाइक एक सब्सिडी आई और सस्ता हो गया, तो भैया आप सर्दियों में भी लोग हाथ सेक रहे हैं हीटर में,
पहले पंखा भी चलाते थे तो टेंशन में रहते थे कि कितना बिल आ जाएगा, तो एकदम से प्राइस कम होता तो जिसकी ज़्यादातर यूज होते हैं डिमांड एकदम से हाई हो जाती है, प्राइस बढ़ता तो डिमांड एकदम से कम भी हो जाती है। क्लियर है बच्चे? तो नंबर ऑफ यूजेस, शेयर्स इन द टोटल एक्सपेंडिचर, ऐसी कुछ कमोडिटी जिसपे आपके इनकम का बहुत मामूली हिस्सा खर्च होता है, जैसे महीने में अखबार पे, महीने में बूट पॉलिश पे, और महीने में मेरी फीस पे, जिसका बहुत कम खर्चा होता है आपकी इनकम का, बहुत कम मामूली फीस है ना। तो ऐसी कमोडिटी के प्राइस में अगर चेंज आ भी जाए तो उसकी डिमांड पे आप चेंज नहीं करते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत मामूली ही चेंज देखने को आपको मिलेगा। उसका शेयर अगर ज़्यादा खर्चा होता है जहाँ पर, वहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। इतने पॉइंट्स इनफ है। हैबिट्स वाइज, जिसकी आपको हैबिट्स लग गई एक बार, फिर आप प्राइस की परवाह नहीं करते हो, है ना। लाइक एक एग्जांपल लेता हूँ, हैबिट्स में तो ज़्यादातर अल्कोहल, लिकर, सिगरेट, ऐसे पदार्थ, तम्बाकू, जिनको आदत लग जाए, जिनको आदत लग जाए तो प्राइस बढ़ भी जाएगा तो भी वो डिमांड कम नहीं करेगा। अब आपने देखा कोविड में, देखो कोविड में रेट इसके बढ़ गए थे, न्यूज़ में आ रहा था ना, कोविड में सर्वाइव करने के लिए टैक्स के लिए इसके रेट को काफ़ी सरकार ने बढ़ा दिए, लेकिन उसकी डिमांड में कोई खास कम नहीं हुआ। इसको हैबिट थी, उसने इसकी डिमांड की ही की। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है ये? जल्दी समझ में आ गया आपको? हैं, ठीक है, मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी नहीं, न्यूमेरिकल चालू होगा। सना ग्राफ में नहीं तो आपको वर्टिकल लेके चलना है और ना ही आपको हॉरिजॉन्टल लेके चलना है, आपको थोड़ा सा इस तरीके लेके चलना है, या फिर थोड़ा कर्व शेप में ही बना सकते हो आप।